हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अचाइवमेंट अनलॉक करी गई है इंडिया के द्वारा, जहां पे काफ़ी सेक्रेटली पूर्वक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल्स को इंडक्ट किया गया है। इंडिया नेवी द्वारा 2014 में कंस्ट्रक्शन में था, तो इसका जो इंडक्शन के बाद भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रैकिंग वेसल्स की कैपेबिलिटी है। तो बात कर रहे हो वेसल्स की कैपेबिलिटी की, तो ये सिस्टम कैपेबल है किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने में। ट्रैकिंग के साथ साथ लाइट डाटा को शेयर करने में सक्षम है। तो ये सिस्टम जो है काफ़ी एडवांस प्ले करने वाला है इंडियंस मिसाइल सिस्टम को, जहां पर दुश्मन द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई हो तो इसकी सूचना पहले दे देगा। इस शिप को VC-111-84 कहते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड ओशियन सर्विलांस शिप है, इसको 2020 में अक्टूबर में कमीशन किया गया था, जिसकी सेरेमनी को पब्लिक डोमेन में शो नहीं किया गया था। तो जो इसकी डिलीवरी डिले हो गई थी वो COVID-19 की वजह से है, लेकिन 2020 में टेस्ट और ट्रायल्स कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद इसको सर्विलांस में ले लिया गया था। तो ऐसी जो शिप है ना, वो चार देशों के पास है जिसका जो ज्वाइंट क्लू ऑपरेशंस करेगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च और DRDO के साथ साथ इंडियन नेवी का भी। तो अभी जो ये शिप है ना, सिर्फ रशिया, अमेरिका, फ्रेंच और जापान के पास है, जिसका जो मेन एडवांटेज है मिसाइल ट्रैक करना, वो भी न्यूक्लियस कैपेबल। तो अब इस शिप के आ जाने के बाद इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जहां पे लॉन्ग रेंज में जो मिसाइल का टेस्ट है उसका डाटा रियल टाइम में अवेलेबल होगा। इसके साथ ही अगर दुश्मन द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च करी जा रही होगी उसकी जानकारी रियल टाइम में देगा, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे हम प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 15,000 टन का शिप है, जिसमें 3 एंटीना लगे होंगे, सेंसर के साथ एक्स बैंड और एस बैंड दोनों ऐसा रडार लगे होंगे। तो शिप एक बार में 300 ट्रिप्स को कैरी करने में सक्षम होगा और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर भी ले जाने में सक्षम होगा। इस सिस्टम की लागत 15,000 करोड़ आई है। तो ये शिप जो है 14,000 मेगावाट यानी 14 मेगावाट पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, जो कि ये रडार को पावर देने में सक्षम है। तो जो एक्स बैंड और एस बैंड फ्रिक्वेंसी के रडार लगे हैं, तो बात कर रहे हो एक्स बैंड के रडार की, तो ये छोटे एरिया को डिटेक्ट करेगा और छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। वहीं पे बात कर रहे हो एस बैंड रडार की, तो ह्यूज एरिया को स्कैन करेगा और आने वाली इनकमिंग मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। सिस्टम से एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि ट्रैकिंग के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है बड़े बड़े महाशहरों को। तो वार के साथ न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैकिंग के साथ न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।